राम राम जी। और क्या मजा आ रही है। मेरा नाम है पवन लोहमोड़, मैं रहता हूँ जापान में, और मैं अपनी वीडियोस में जापान के बारे में अलग अलग ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ जो जो जापान में नहीं रहता उनको नहीं पता चलती। तो इस वीडियो में बताऊंगा जापानीज पढ़ने के और उसको जल्दी सीखने के क्या तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि जापानीज पढ़नी है पर पता नहीं कैसे करे, क्या करे क्या करे, अरे मुझे तो पता ही नहीं, अरे मुझे तो पता ही नहीं। तो जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करते रहना, तुम्हारी बात बन जाएगी। मैं दूंगा 5 बेहतरीन टिप जापानीज जल्दी सीखने की, या फिर जापानीज नहीं कोई भी चीज तुम्हें लाइफ में करनी होगी ना तो इन तरीकों से वो चीज तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, या कोई और लैंग्वेज भी सीखनी होगी ना तो वो भी सीख लेना उससे। टिप नंबर फर्स्ट, पहली टिप, फाइंड योर मोटिवेशन। अपना मोटिवेशन ढूंढो सबसे पहले कि करना क्यों है, ऐसा क्या आग लग रही है, हाई जापान हो रही है हर किसी को, क्यों सीखनी है जापानीज। पहले वो रीजन क्लियर करो अपना, उसकी वजह ढूंढो, पक्की पुख्ता वजह क्यों सीखनी है, क्यों जाना है जापान, क्या रीजन है भाई, ऐसा क्या है यहाँ पर। किसी हर किसी के रीजन अलग होंगे, बहुत सारे रीजन होंगे, बस अपना क्लियर रहो रीजन की क्यों करना है। पैसा कमाना है, मांगा पसंद है, एनिमेशन पसंद है, जापानीज मूवीज पसंद है, कल्चर पसंद है। मैंने पहले भी बताई थी अपनी वीडियो में कि कतई कोई पॉर्न स्टार बन के ही मानेगा, और मेरे पास तो मैसेज भी आया था कि पॉर्न स्टार बनने का क्या तरीका होता है। मैंने कि भैया ये चीजें तो अपने आप ही देखो, कुछ भी हो रीजन, रीजन चाहे तुम्हारा कोई भी हो यार, जापानीज लड़कियां पसंद है, लड़कियों को जापानीज लड़के पसंद है, जापान की टेक्नोलॉजी पसंद है, जापान बहुत साफ सुथरा है, कुछ भी कोई भी रीजन हो बस वो उसको क्लियर करो कि हाँ मेरा ये रीजन है और मुझे इसलिए करना है, ताकि जब चीजें आगे जाके मुश्किल हो जाएंगी ना तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगा, यही मोटिवेशन। तो इसको स्ट्रांग करो सबसे पहले, अगर ये नहीं है ना तो फिर तो वैसे ही रहेगा कि करूँ या ना करूँ यार, कुछ फायदा है भी कि नहीं है, वैसे ही कि बखत ही फूटेगा, कोई बात बनेगी नहीं बनेगी। तो नहीं, ऐसे रहोगे आधा अधूरा रहोगे ना तो वैसे ही बंटाधार है। जापानीज में कहावत है तो राइट चलो या फिर लेफ्ट चलो, बीच में चलोगे ना इधर उधर कहा जाओ तो पक्का गाड़ी ठोकेगी ठोकेगी। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है, या तो करो या फिर मत करो, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ये तो सबसे बुरी चीज है, बीमारी है, इससे दूर रहना। इसलिए अपना मोटिवेशन क्लियर करो सबसे पहले। टिप नंबर टू, दूसरी टिप, अपने आसपास वैसा माहौल बनाओ, क्रिएट करो वैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास। अगर तुम्हें जापानीज सीखनी हो तो जापानीज का एनवायरनमेंट, जो लोग जापानीज और भी लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ मिलो, उनसे बातें करो, उनके साथ रहो। जो तुम्हारा अगर कोई दोस्त है जिसका जापान से या जापानीज से कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो उससे कोई मतलब है ही नहीं, तो उसके साथ टाइम थोड़ा कम कर दो। बाकी अपने माहौल, जो चीज़ तुम्हें करनी है उसके साथ माहौल में ज़्यादा रहो, उसका माहौल बनाओ। अपने आसपास पोस्टर लगा लो, फोन में वॉलपेपर लगा लो, तब तुम्हें वो सारी चीज़ें तुम्हें वो याद दिलाएंगी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, हर हालत में करनी है, सब कर रहे हैं, मेरे से भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एनवायरनमेंट, वो माहौल बनाना अपने आसपास। अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी कि वो माहौल तुम कैसे बनाते हो, कुछ भी करो बस वो माहौल बनाओ। ये मैं टिप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बस की बिना किताब विताब से पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो किताब खोलते मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, हद से ज़्यादा। और दुनिया कहती है ना कि नॉवल पढ़ा करो, बुक्स नहीं पढ़ोगे तो इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, मेरी सबसे ज़्यादा फटती है इस चीज़ से कि यार मेरे को किताब पढ़ने से सख्त नफरत है, तो मैं तो कभी इंटेलिजेंट बन ही नहीं पाऊंगा क्या। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हें सिर्फ सीखना है, चाहे तुम बुक से सीखो, चाहे अपनी लाइफ से सीखो, चाहे टीवी देख के सीखो, यूट्यूब से सीखो, तुम बस सीखो, किसी चीज़ से भी सीखो बस सीखो, वो ज़रूरी होता है, जरिया ज़रूरी नहीं है। मैं कतई पढ़ेला नहीं हूँ, मुझे किताब से नफरत है, मुझे पढ़ाई से नफरत है, पर अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। कतई नहीं पढ़ता फिर भी मैंने जापानीज के सारे लेवल क्लियर कर रखे हैं, क्यों, इन्हीं चीज़ों की वजह से। टिप नंबर थ्री, तीसरी टिप। अब तीसरी टिप क्या है, जैसे अब ये तो सबको हर कोई बोलता है ना कि जैसे जापानीज पढ़नी है तो जापानीज मूवीज देखो, जापानीज गाने सुनो, जापानीज ड्रामा देखो, टीवी देखो, जापानीज सारी चीज़ें देखो, जापानीज अखबार पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, अच्छी बात है ये करना है। पर इसको करने का एक तरीका होता है, पता क्या तरीका होता है, सपोज तुम्हें जापानीज सीखनी है तो उसके लिए तुम जापानीज टीवी देखोगे, जापानीज ड्रामा देखोगे, जापानीज नाटक देखोगे, जापानीज शो देखोगे, जापानीज पिक्चर देखोगे, जापानीज गाने भी सुनोगे। पर अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं होगी ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो आफत ही लगने लगेगी थोड़े टाइम बाद। शुरू में तो शौक शौक में देख लोगे, पर हमें क्या करना, हमें चीज़ बार 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 आगे तक बहुत दिनों तक करनी है। तो इसलिए वो चीज़ देखो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें देखना अच्छा लगता है, वो चीज़ देखो जापानीज में। सारी चीज़ें यूट्यूब पे और इंटरनेट पे टॉरेंट वगैरह पे मिल जाती है, उसको ढूंढने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, उसको ढूंढो। बचपन में मोगली तो सबने देखा है ना, जंगल जंगल बात चली, कच्छा पहन के फूल खिलाया,
चड्डी पहन के फूल खिलाए, वो जैपनीज एनीमे है एक, उसको देखो, वो तो सबको अच्छा लगता है, वो देख लो। जो भी तुम्हें नाटक पसंद है, सीरियल्स पसंद है, जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सीरियल है, वो भी जैपनीज में है, डब्ड, सबटाइटल भी आते हैं और जैपनीज बोलते भी है। हाउ आई मेट योर मदर, ये जितने भी सीरियल्स हैं ना अच्छे अच्छे फेमस, वो सारे जैपनीज में है ऑलरेडी, तुम्हें बस वो ढूंढने हैं इंटरनेट पे। मैं जापान में रहता हूँ, मुझे यहाँ पर इजी एक्सेस मिल जाती है, इंडिया में शायद वो चीज़ें नहीं मिलती होंगी, तो वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। सारी हिंदी पिक्चरें, थ्री इडियट्स भी जैपनीज में है, बाहुबली तो बहुत ज़्यादा फेमस है जापान में, वो भी है, और आमिर खान की वो पी के पिक्चर भी वो जापान में काफ़ी सही चली थी, वो भी है। और हिंदी नेटफ्लिक्स, जहाँ पर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में हिंदी पिक्चरें काफ़ी सारी है जो जैपनीज सबटाइटल भी है, जैपनीज में डबिंग में भी है और नीचे सबटाइटल भी है। तो जो पिक्चर तुम्हें अच्छी लगती है वो देखो और बस जैपनीज में देखो। जैसे रेसलिंग होती है, WWE भी जैपनीज में डब्ड आती है, जैपनीज में सबटाइटल्स के साथ आती है। बॉक्सिंग के मैचेज आते हैं, MMA के मैचेज आते हैं, ओलंपिक के मैचेज जैपनीज में आते हैं, एशियन गेम्स, जो भी तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, तुम्हें कुछ भी पसंद है ना, गाने पसंद है तो जॉनर जो तुम्हें पसंद है ना, गाने रॉक पसंद है तो रॉक सुनो जैपनीज में, हिप हॉप पसंद है तो हिप हॉप सुनो जैपनीज में। तुम्हें जरूरी नहीं है कोई जिस जैपनीज के नाम पे कोई बोरिंग बोर टंग 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 ऐसे फालतू से गाने सुनने ना, अपनी मर्जी से सुनो छाती ठोक के, और वही चीज़ देखो जो तुम्हें पसंद है, ताकि तुम उसे बार बार कितनी देर बहुत देर तक देख पाओ। कार्टून, कार्टून जो तुम्हें कार्टून पसंद है, अलादीन, डिज्नीलैंड के जितने भी सारे कार्टून है, टॉम एंड जेरी, सारे जैपनीज में अवेलेबल है, सारे आते हैं डब्ड जैपनीज में, सबटाइटल्स के साथ भी आते हैं, तुम्हें बस वो ढूंढना, यूट्यूब पे ढूंढना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सच में रात भर के मिलेंगी चीजें, ढूंढो मन लगा के बस। टिप नंबर चार, चौथी बात, गाने पसंद है ना अगर, तो तुम्हें जैसे जो भी मैंने भी बताया, रॉक म्यूजिक पसंद है या फिर हिप हॉप पसंद है, रैप पसंद है, तो गानों के लिरिक्स पढ़ा करो, जो गाना तुम्हें पसंद है उसके लिरिक्स पढ़ो, जैपनीज गाने के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड रीड रीड, बस उसे पढ़ना है, याद अपने आप ही हो जाएगा। और जब तुम उस फ्लुएंसी से जब तुम गाना गाने लग जाओगे ना, तुम्हें उस लैंग्वेज का, तुम्हें उस लैंग्वेज का एक्सेंट और किस तरह से बोलते हैं कि हाँ, तुम उसकी आदत पड़ेगी धीरे धीरे धीरे। हमारे ब्रेन को हमें फंक्शन करना पड़ता है इसी तरह से कि बार 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 वो चीज़ सुनते हैं तो हमको वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हम उसमें ढल जाते हैं, उनको आने लग जाती है। बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है, वो तो किताब से नहीं पढ़ता, फिर भी बोलना सीख जाता ना धीरे धीरे, स्कूल जाते हैं, माना स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोलना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं। जो बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता ना पूरी जीवन भर, बोलना वो भी बढ़िया सीख जाता है, तो सीख जाओगे, बस अपने ब्रेन को उसकी आदत डालनी है, जितनी ज़्यादा आदत डालोगे उतना फ़ायदा। पांचवी बात ये है कि तुम अगर किताब से ही पढ़ना है ना, तो किताब पढ़ना है, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के तुम लेते हो, अगर जैसे तुम नॉवल पढ़ते हो फिर मांगा पढ़ते हो ना, तो वो तो अच्छी बात है, उसे पढ़ो, खूब पढ़ो, पर अगर जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तुम सीधा, तो उसको पढ़, जब तुम उसमें सेंटेंस पढ़ते हो, उस सेंटेंस को बस रीड करो, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करोगे एक सेंटेंस में 15-20 मिनट लग जाएंगे, उसको रीड करो 2-3 मिनट में, शुरू में लगेंगे 5-7 मिनट, फिर बार बार एक सेंटेंस को रीड करोगे ना, तो वो सेंटेंस तुम जल्दी पढ़ने लग जाओगे, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में पढ़ने लग जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस, एक एक सेंटेंस लेके उनको बार बार रीड करो। रीड करना है बस, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। रीड करो। और हाँ, बोनस टिप, छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, हम जब कोई भी चीज़ नहीं सीखते ना अपनी लाइफ में, तुम गिटार सीख लो, पियानो सीख लो, बॉक्सिंग सीख लो, जिम चले जाओ, बॉडी भी बनानी होगी, या जैपनीज सीख लो, कुछ भी करना हो, तुमको रहना होता है कंसिस्टेंस, लगातार वो चीज़ करनी होती है बार बार। तो कभी भी धीमते ही एकदम मत पड़ जाना कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ोगे थकोगे, फिर अगले दिन बोलोगे कि यार कल तो इतना पढ़ा था, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, इसीलिए आधा घंटा दो, बेशक से 10 मिनट दो, बेशक से 5 मिनट दो, पर वो 5 मिनट तुम रोज दो, रोज 10 मिनट तो रोज दो, इससे तुम्हें लगेगा कि मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, और तुम रोज करोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनेगी, वो चीज़ तुम्हारी जिंदगी में आदत बन जाएगी फिर। और जब एक चीज़ तुम्हारी कोई आदत बन जाती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत क्या, भगवान भी तुमसे वो आदत तुम्हारी छुड़ा नहीं पाएगा। एक शराबी से शराब छुड़वा के दिखा दो, एक सिगरेट पीने वाले से सिगरेट छुड़वा के दिखा दो, बहुत मुश्किल होता है। रोज 5 मिनट, रोज 10 मिनट करके उसको अपनी आदत बना लो, और फिर वो चीज़ तुम्हारी जीवन से कभी दूर जा ही नहीं पाएगी, और फिर देख लो तुम्हारा फ्लो कैसे पड़ता है जैपनीज में। इतना इन सारी चीज़ों से भी कोई बात ना बन रही हो ना, अगर सच में जेन्युइनली पढ़ना है, किताब भी चाहिए और इंस्टीट्यूट भी पता करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जापान से रिलेटेड, मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं सबकी रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। तो मैं इंस्टीट्यूट बताता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी दिल्ली में, वो उन सर से आज दिल्ली से डायरेक्ट हम बात भी करेंगे। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपका प्रोफेशन क्या है?
भाई मेरे बारे में मैं झटपट फटाफट से बता देता हूँ कि मेरा नाम है रवि। मैं निहोंगोमैक्स नाम का सेंटर चलाता हूँ, जापानीज लैंग्वेज सेंटर। इसमें हम N5 से लेकर N1 तक की ट्रेनिंग देते हैं, और JLPT को किस तरह से एक ही बार में क्लियर किया जाए, किस तरह से दोकाई चौकाई मोजुको इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, JLPT की प्रैक्टिस करके, JLPT देने जाने से पहले क्या क्या करना है वो सब करके JLPT को एक ही बार में कैसे क्लियर किया जाए वो हम सिखाते हैं। और इसके साथ साथ हम जापान की प्रोसेसिंग करवाते हैं, जापान के एडमिशन्स की प्रोसेसिंग करवाते हैं। जैसे जापान में स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भरना है, COE वीज़ा इन सब के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वर्क डॉक्यूमेंट्स, ID नंबर जनरेट, ये सब क्या करना होता है, सारी प्रोसेसिंग हम करवाते हैं। इसमें जैसे इंटरव्यू की ट्रेनिंग देना, इंटरव्यू अगर एम्बेसी वाले लेते हैं तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चे को, इस सब की ट्रेनिंग देते हैं। इस सबको जापान के एडमिशन की प्रोसेसिंग कहते हैं, ये सब हम करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम अलग अलग कंपनीज में जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग और मतलब जापानीज लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग और जापानीज लैंग्वेज कल्चर और साथ साथ बिजनेस मैनरिज्म के भी कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा तो सर कब से पढ़ा रहे हो आप जापानीज? भाई मैं जापानीज पढ़ा रहा हूँ लगभग 2009-2010 से। पहले मैंने उससे पहले मैं जापान में था, मैंने मम्बुशो से 2 ईयर्स पहले जापान में स्टडी करी है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है, जैसे बिजनेस मीटिंग्स के अंदर इंटरप्रिटेशन कराना या फिर इंग्लिश में सॉरी जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सिखाना। उसके बाद मैंने इंडिया में यहाँ पर जैसे HCL, पोलरिस, न्यूक्लियस इन सब कंपनीज में जापानीज लैंग्वेज सिखाई है, इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन का भी काम करा है। उसके बाद फिर मैंने इंडिविजुअली पहले मैंने थोड़ा सा जैसे अपने फ्रेंड्स को ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा। उसके बाद फिर मैंने निहोंगकाई सेंटर खोला था 2010 में, और उसके बाद फिर पार्टनर्स से थोड़ा सा अलग होके 2014 में मैंने अपना निहोंगोमैक्स सेंटर, अपना खुद का सेंटर खोला है। तो आपने कब JLPT क्लियर किया था? भाई JLPT मैंने करा था 2012 में और 2007 में। अब ये दो बार क्यों करा, क्योंकि पहले JLPT अलग हुआ करता था, पहले इसमें 4 लेवल हुआ करते थे, योंग्यू, सांग्यू, निक्यू, इक्यू। योंग्यू मतलब लेवल 4 और इक्यू मतलब लेवल 1। तो मैंने इक्यू क्लियर किया था लेवल 1 2007 में, और उसके बाद 2012 में क्योंकि ये 2010 से चेंज हो गया था, 5 लेवल आ गए थे इसमें, N5, N4, N3, N2 और N1। तो 2012 में मैंने फिर से N1 क्लियर किया था। तो आपके इंस्टीट्यूट में सर ऐसा क्या है कि जो बाकी इंस्टीट्यूटों में नहीं है? भाई हमारे इंस्टीट्यूट में क्या अलग है जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, अगर मैं मतलब अलग अलग चीज़ें बताऊंगा तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले तारीफ करते रहते हैं अपनी, वैसे ही मैं भी अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो ज़्यादा ना बोल के मैं बस इतना बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि JLPT के अंदर, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप फेल हो गए ना तो दोबारा इसी कोर्स को आधी फीस में कर लेना, तो वो चीज़ हम नहीं करते। हम कहते हैं भाई एक ही बार में आपको फीस देनी है और एक ही बार सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, लेकिन पास होने के लिए पूरा पूरा जान लगानी है। और उसको किस तरह से हम एक ही बार में कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेनिंग को अपना शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये है एक तो हमारा पॉइंट। और दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया जापान के एडमिशन के जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर मैंने 19 लोगों का अभी तक प्रोसेसिंग कराए, तो 19 के 19 का COE वीज़ा जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, उनका वीज़ा आया है। उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपना वीज़ा खुद ही रिट्रीट करवाया है, तो वो बात अलग है। तो यानी कि 18 के 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने सक्सेसफुली जापान भेजे हैं। और दूसरी बात कि JLPT में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया कि क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे, दोकाई चौकाई ये सब क्यों नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ें सिखाते सिखाते हम लोग पढ़ाते हैं, ये है हमारा प्लस पॉइंट। और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर अगर जैसे स्टूडेंट्स आते हैं और उनको कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो हम पूरी काउंसलिंग भी देने की कोशिश करते हैं कि चाहे आप नहीं पढ़ते हमारे से, किसी और से भी पढ़ते हो, फिर भी आप एक बार समझ लो कि सही पढ़ने का तरीका क्या है और पढ़ने का गलत तरीका क्या है। सर ये बताओ वैसे किसी को क्यों पढ़नी चाहिए जापानी, ऐसा क्या है जापानी में? किसी को जापानी भाषा क्यों करनी चाहिए? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले आप बताओ आपने क्यों जापानीज भाषा करी? क्योंकि आपको ये पता है कि जापानीज लैंग्वेज से इंडिया ही नहीं, जापान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छी जॉब ली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियर है या किसी ने MBA किया हुआ है तो स्टार्टिंग में उसको जैसे मान लो बहुत ही कम सैलरी की बहुत ही छोटी सी जॉब मिल रही है, लेकिन अगर वो साथ में जापानीज लैंग्वेज कर लेता है तो बहुत ही अच्छा करियर, वो बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकता है इसके अंदर, बहुत ही हाई सैलरी की जॉब ले सकता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब ले सकता है। यही नहीं, खाली अगर सिर्फ और सिर्फ जापानीज की भी बात की जाए, अगर इंजीनियरिंग नहीं करी, MBA नहीं करा या कोई और डिग्री तो नहीं लेकिन क्योंकि ग्रेजुएशन तो जरूरी है,
लेकिन अगर सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में ही अपनी पूरी मेहनत करके 2-3 साल लगा के एकदम कमांड हासिल कर लिया है तो भी करियर एकदम बहुत बढ़िया है इसमें। तो जापानीज लैंग्वेज करने का तो हमेशा फायदा होता ही है, ये तो खाली मैं ही नहीं, आप इंटरनेट भी सर्च कर सकते हो, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो, और जैसे कि तुम्हारे भी खुद भी वीडियोज में तुम बताते रहते हो जापान कितना सुंदर देश है, जापान में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जापानीज लैंग्वेज सीखने की। सर ये बताओ कि आप किस तरह से हेल्प करते हो जापान जाने में, कोई स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहता है, कोई जॉब करने के लिए जाना चाहता है, कोई टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहता है, कैसे हेल्प करते हो आप जापान जाने के लिए स्टूडेंट की, हम क्या सहायता कर सकते हैं? देखो जैसे मैंने भी आपको बताया मैं पूरी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे बच्चा है उसको ये नहीं पता कि मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से फर्निश करने हैं एम्बेसी के अंदर, मुझे गैप को किस तरह से फिल करना है एम्बेसी के अंदर, मुझे स्कूल को पर्पज़ ऑफ स्टडी कैसे अपना बताना है, क्योंकि उसी चीज़ के ऊपर फॉर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं सर मेरा COE कैंसिल हो चुका है, मेरा ना दोबारा एडमिशन करवाओ, तो वो मुझे खुद बताते हैं कि पहले मैंने अपनी ही तरह से अजीब अजीब तरह से फॉर्म भर के भेज दिया था और अप्लाई कर दिया था, तो जापान के जो स्कूल्स होते हैं उन्होंने एज इट इज एम्बेसी के अंदर अगर एप्लीकेशन डाल दिया है तो COE कैंसिल ही होगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को देखनी पड़ती हैं कि उसका COE कैंसिल ना हो, और एक बार COE अगर कैंसिल हो गया तो किसी किसी कंडीशन में 1 साल वेट करना पड़ता है, किसी कंडीशन में 2 साल वेट करना पड़ता है, किसी कंडीशन में दोबारा हो ही नहीं सकता एडमिशन, मतलब आपको वीज़ा मिल ही नहीं सकता पूरी ज़िंदगी, तो ये सब चीज़ें ना हो, इस चीज़ के लिए हम पूरी शुरू से लेकर आखिर तक अपने ही हिसाब से अंडरटेक करते हैं, स्टूडेंट को पूरा हम सिखाते रहते हैं कि हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करा है। और रही बात एडमिशन्स की, एडमिशन्स में भी हमारे जो टाई अप है वो जापान के सबसे सस्ते स्कूल से टाई अप है, मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप पूरे जापान में फ़ोन मिला लो, कहीं पर भी किसी व्यक्ति से पूछ लो जाके या इंटरनेट पर सर्च कर लो, अगर इससे सस्ता कोई भी स्कूल मिल जाए तो मैं आपकी फ्री में सब कुछ फ्री में प्रोसेसिंग करवाऊंगा, तो ये मैं चैलेंज करके आता हूँ स्टूडेंट्स को। रही बात टूरिस्ट वीज़ा की, तो टूरिस्ट वीज़ा अलग होता है, टूरिस्ट वीज़ा में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, वो तो आप खुद भी लगवा सकते हो, आपको एक गारंटर चाहिए, एक शेड्यूल लेटर चाहिए, और एक तीन चीज़ें चाहिए होती है, गारंटर लेटर, शेड्यूल लेटर और एक रीज़न ऑफ स्टे, तो ये तीन चीज़ें अगर आप एम्बेसी के अंदर फर्निश कराते हो, याद रहे कि जापानीज़ खुद अपने हाथों से लिख के दे, जापानीज़ खुद अपने खुद प्रिंटआउट निकाल के या अपने हाथों से लेटर लिख के दे, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे ओरिजिनल में जापान से पोस्ट करके, तभी एम्बेसी में टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, वरना अपने आप नहीं कर सकते। दूसरे तरीके हो सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनीज होती हैं HIS वगैरह, JTB वगैरह, वो वैसे ही आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं, क्योंकि वो अपनी गारंटी आपको देती है, अपनी खुद की कंपनी की गारंटी आपको देती है, तो वो बात अलग होती है। तो और मैंने जैसे अपने दूसरे वीडियो में बताया था वर्क इन जापान के लिए, जैसे TITP प्रोग्राम के लिए, उसके लिए भी हम लोग काफ़ी अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी वर्क वीज़ा डायरेक्ट यहीं से इंडिया बैठे बैठे ही लग जाए, आपको पहले स्टडी वीज़ा लगवा के फिर वर्क वीज़ा ना मिले, पहले यहीं से वर्क वीज़ा मिल जाए, तो इस चीज़ के भी प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर हाँ ये बात तो ठीक है, अभी बताओ मेरे नाम से अगर आपके पास कोई आता है तो उसको कोई डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे? हाँ भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे नाम से कोई स्टूडेंट आता है और तुम भी उसका नाम लेते हो, हाँ भाई सर मैंने ये स्टूडेंट भेजा है, तो पक्का पक्का उसको मैं अच्छा डिस्काउंट दूंगा, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आप कब गए थे पहली बार जापान और उसके बाद कितनी बार गए हो ये तो बताओ? भाई जापान में मेरा तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 2007 में मैंने N1 क्लियर किया, उससे पहले ही मैं जापान में मंबूशो के लिए गया था 2 साल की स्टडी के लिए, तो जैसे एक 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 नया स्टूडेंट होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता जापान के बारे में, तो इस तरह से मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन थोड़े ही शॉर्ट टाइम में 3-6 महीने में ही मुझे एक तो बहुत अच्छी जापानीज बोलनी आ गई, दूसरी बात कि मुझे जापान के कल्चर के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पता चला, तो इसलिए मैं भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप यहाँ पर अगर जैसे 2-3-4 साल पढ़ाई करते हो जापानीज लैंग्वेज की, उसको आप एक ही साल में या आधे ही साल में कंप्लीट कर सकते हो जापान में, साथ के साथ कंपनीज भी ये चाहती हैं कि हमारे को वो बंदा मिले, वो इंटरप्रेटर मिले, वो ट्रांसलेटर मिले जिसने नेटिव से बात करी हुई है, यानी कि अगर कस्टमर का कॉल आता है तो डायरेक्टली वो कस्टमर को उसके हिसाब से बात कर पाए, तो इसलिए उनकी हायरिंग बहुत जल्दी होती है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते रहो, उनकी हेल्प करते रहो, उनकी जिंदगी बनाओ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच भाई, और तुम भी ऐसे ही काम करते रहो, मेरी भी पूरी कोशिश है, कहीं पर भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना, और मेरे को आप अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो भाई इसी तरह से काम करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा जी सर, राम राम। राम राम जी।